हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक रिमोट कंट्रोल कार का, जिसका नाम है हीरो स्मोक कार और इसका ब्रांड नेम है हैप्पी किड्स। ये एक इंडियन ब्रांड है और अगर आप अपने बच्चे के लिए या किसी के लिए या खुद के लिए एक रिमोट कंट्रोल कार देख रहे हैं जो एक प्रीमियम सेगमेंट में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये गाड़ी आप किसी भी नियरेस्ट टॉय शॉप या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ख़रीद सकते हैं। तो इसका जो बॉक्स है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ आती है। तो आप ये देखिए इस बॉक्स को। इस गाड़ी की खास बात ये है कि ये चार्जिंग के साथ आती है और इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम करता है। सो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको इसका रेंज काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जैसे नॉर्मली आप अगर मार्केट से कोई लो प्राइस रिमोट कंट्रोल कार ख़रीदते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका 2 मीटर तक का रेंज होता है, बट इसमें रेंज काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। आप बैठे बैठे इस गाड़ी को काफ़ी दूर तक चला सकते हैं। तो अभी इसका बॉक्स हम ओपन करते हैं। हमने इसको बॉक्स से बाहर निकाल दिया है, बट जब आप देखेंगे इसको बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो एक और बॉक्स पैकिंग के ऊपर इसको फिट किया होता है। तो आपको एक और चीज़ चाहिए होती है, वो होता है स्क्रू ड्राइवर। आजकल कोई भी आप गाड़ी लोगे उसके साथ आपको स्क्रू ड्राइवर एक चाहिए ही होगा। उसका कारण है ये, देखिए इस गाड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रू ड्राइवर के साथ टाई किया होता है इसकी बॉक्सिंग के अंदर, सो दैट कि जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है उस टाइम इस गाड़ी को कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए इस पैकिंग को, जैसे इसका रिमोट कंट्रोल है उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रू किया हुआ है और गाड़ी को भी बहुत अच्छे तरीके से स्क्रू किया हुआ है। तो अभी हम इसको आगे स्क्रू ड्राइवर से, जो हमारे पास इस टाइप का है, नॉर्मली आपको कहीं भी मिल जाएगा, इससे इसको खोलेंगे स्क्रू ड्राइवर से। हमने इसको बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। अभी बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहले ये गाड़ी मिलेगी, बहुत बढ़िया फिनिश के साथ है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ हुआ है और एज़ पर बॉक्स इसमें कुछ मेटल का भी यूज़ हुआ है। इसके टायर बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया प्लास्टिक है। इसके साथ आपको मिलेगा ये रिमोट कंट्रोल, ये भी अच्छी प्लास्टिक का है। एक ये पानी के लिए ड्रॉपर देते हैं, क्योंकि ये स्मोक कार है, एक्चुअली ये पानी से मिस्ट बनाता है। इसके अंदर एक छोटा सा स्प्रेयर रहता है जिससे ये उस पानी का बहुत ही फाइन मिस्ट बनाता है जो एक स्मोक का इफ़ेक्ट देता है। और साथ में आपको मिलती है एक चार्जिंग केबल, ये देखिए। अभी हम गाड़ी का बैक पैनल देखते हैं। स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत आपको यहाँ पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इसकी बैटरी निकालनी है तो देखिए इधर भी प्रॉपरली स्क्रू के साथ इसको फिक्स किया हुआ है। आप स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल के इसकी बैटरी निकाल के उसको चार्ज कर सकते हैं इस केबल के साथ। सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसके साथ, इधर भी एक स्क्रू टर्मिनल रहता है जो हमने अभी खोला हुआ है। तो इसके अंदर आपको सेल डालने पड़ते हैं। जितनी भी चार्जिंग के साथ गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर क्या होता है कि गाड़ी ज़रूर चार्ज होगी बट रिमोट के अंदर आपको सेल डालना ही पड़ेगा। रिमोट के साथ कोई चार्जिंग का फैसिलिटी किसी भी गाड़ी में नहीं आता है। ये देखिए, जैसे आप ये रिमोट देख पा रहे हैं, इसमें अप डाउन का कंट्रोल, लेफ़्ट राइट का कंट्रोल और ये है, ये बटन म्यूज़िक के लिए है, जैसे गाड़ी का साउंड, इससे इसका लाइटिंग ऑन होता है। और ये है स्प्रे के लिए, जब आप गाड़ी में पानी डाल देंगे इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये मिस्ट के फॉर्म में स्प्रे बनाता है। ये हमारी गाड़ी का टॉप व्यू। अब इसमें पानी कहाँ पर डालना है, अगर आप गाड़ी के बैक साइड पर देखेंगे एक छोटा सा प्लास्टिक कवर दिया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने वाटर। आप इसको बड़े इजीली ओपन कर सकते हैं, नॉर्मल वाला लॉक रहता है। इससे फिर आप पानी उठाएंगे, जैसे आपने किसी कटोरी या ग्लास के अंदर पानी ले लिया, इसको प्रेस करेंगे फिर ये वैक्यूम के साथ पानी खींचेगा और इधर से आप इसके अंदर पानी ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप पानी ड्रॉप कर लेंगे उसके बाद आप इसको वापस बंद कर दीजिए। अब हमारी गाड़ी के अंदर सेल भी है, चार्ज भी है, रिमोट के अंदर हमने सेल भी डाला हुआ है और पानी भी भर दिया है। पानी मैंने पहले डाल दिया था इसके अंदर, ये बस डेमो के लिए मैंने ऐसे बताया आपको किस तरीके से पानी डालते हैं। तो अब हम इसके बाद इसकी टेस्टिंग पे ऊपर जाते हैं। गाड़ी को ऑन करने के लिए इसके नीचे एक छोटा सा पावर बटन रहता है, ऑफ़ और ऑन, इसको आप प्रेस करके इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे आपने ऑन किया आप देख रहे हैं इसके पीछे LED ब्लिंक कर रहा है।
सिमिलरली आपको रिमोट के ऊपर भी पावर बटन ऑन करना है। जैसे ही ये दोनों आपस में लिंक हुए, गाड़ी का लाइटिंग और साउंड स्टार्ट हो गया। अभी हम गाड़ी का अगर साउंड बंद करना चाहते हैं तो ये बटन प्रेस करेंगे, देखिए ये साउंड बंद हो गया। लाइटिंग का प्रेस करेंगे तो ये भी बंद हो गया। अब डेमो के लिए लाइटिंग ऑन कर देते हैं और स्मोक वाला बटन चालू है। ये देखिए, ये मिस्ट की फॉर्म में वो स्मोक बना रहा है। अभी यहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा है बाहर से, इसलिए स्मोक का उतना इफेक्ट आ नहीं रहा, बट अगर लाइटिंग थोड़ा कम हो तो स्मोक इफेक्ट इसका बहुत अच्छा आता है। चलिए अभी गाड़ी का ड्राइव टेस्ट करते हैं। अभी गाड़ी का मैं साउंड ऑन कर देता हूँ, लाइटिंग ऑन कर दिया, ये मिस्ट ऑन कर दिया। अभी मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग को लेके। एक्चुअली ये गाड़ी आपको अगर आप किसी शॉप से लेते हैं तो हो सकता है आपको 2000 से 2200 में मिल जाए। जैसे मैंने अमेज़ोन के ऊपर भी देखा है, तो अमेज़ोन के ऊपर इस गाड़ी का प्राइस सेम ब्रांड का शायद 2500 रुपए के आसपास है। बट ये गाड़ी में ख़ास बात ये है कि ये एक प्रीमियम सेगमेंट में आती है, तो 2000-2500 रुपए में ये एक बहुत बढ़िया डील है आपके लिए, क्योंकि इसका जो फिनिश है, इसका जो टायर क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो बहुत बढ़िया है। नॉर्मली अगर कहीं पे ये टकरा भी जाएगी, छोटा मोटा अगर कहीं गिर भी जाए, तो इसमें इतना नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं गाड़ी की चार्जिंग को लेकर। जब भी आपको गाड़ी को चार्ज करना है, आपको ये नीचे का इसका कवर निकालना पड़ेगा। आप इसके अंदर देखेंगे एक बैटरी डाला हुआ है, जो एक कनेक्टर के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। जब भी आपको चार्ज करना है, आपको ये बैटरी यहाँ से निकालनी पड़ेगी, इस प्लग को अनप्लग करना पड़ेगा, और जो आपको इन बॉक्स जो केबल मिलता है, ये वाला पिन, 2 पिन, ये आपको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, और अपना जो नॉर्मली फ़ोन का चार्जर रहता है उसके साथ इस बैटरी को चार्ज करना है। गाड़ी के साथ रिकमेंडेड है कि जब भी आप ये गाड़ी मंगवाओ तो कम से कम पहले 2 से 3 घंटे इसको चार्ज करो, और उसके बाद फिर यूज़ करो। फिर जैसे जैसे आपको पता लगेगा कि बैटरी का परफॉर्मेंस वीक हो रहा है, आप इसको वापस खोल के निकाल के चार्ज कर सकते हो। वापस बंद करने के लिए सिमिलरली आपको कवर लगाना है, और इसका स्क्रू टर्मिनल के साथ, ये पर्टिकुलर जो स्क्रू का इन्होंने स्पेस बनाया होता है, इसको बंद कर देंगे, फिर ये गाड़ी वापस आपका यूज़ होने के लिए तैयार है। इन द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम आगे और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के रिव्यू वीडियो लेके आते रहेंगे।